वैसे WWE वर्सेज AEW, NXT वर्सेज AEW डायनामाइट, ये चीज़ देख देख के आप भी मतलब पक चुके होगे। WWE के फैन हो तो शायद AEW से हेट भी करते होगे। कुछ ऐसी स्टोरी है मेरे साथ भी, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मतलब WWE वर्सेज AEW रियली में मैं अपने ओपिनियंस दूंगा, बिल्कुल फेयर ओपिनियंस, कौन ज़्यादा बेटर है अभी के हिसाब से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, नॉर्मल वीडियो से थोड़ी हटके वीडियो है, तो देखना लास्ट तक आप। और होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर किस बात के, चलिए अब इस बार वीडियो को शुरू करते हैं। कहते मतलब काफ़ी कुछ बात करना है, तो वीडियो के साथ बने रहना। अब मतलब आपको थोड़ा मैं स्टोरी रिमाइंड करना चाहूँगा, पहले वाला मतलब क्या था पूरा स्टोरी। आप शायद नाम जानते हो कि TNA इम्पैक्ट का, अभी तो फिलहाल इम्पैक्ट रेसलिंग के नाम से जाना जा रहा है। हालांकि जब शुरुआत हुई थी इस वाले कंपनी की तो वो TNA था। जो वीडियो है थोड़ा इसी रिलेटेड है, तो बने रहना वीडियो के साथ। अब मतलब ये TNA भी जो कंपनी स्टार्ट हुई, ये बिल्कुल AEW की तरह ही थी, मतलब प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी थी। लेकिन गैस यहाँ पे AEW से काफ़ी हटके कंपनी थी। एक्शन जो था मतलब इतना ज़्यादा ब्रूटल था कि मतलब ऑडियंस तो देख के ही वहीं पर पागल हो जाती थी। और पर्सनली मुझे ये वाली चीज़ काफ़ी पसंद आती थी TNA से। अगर आप मतलब सोनी ESPN वगैरह या फिर अगर YouTube पे भी सर्च कर लो TNA के मैचेस, तो मतलब यहाँ पे इतने ब्रूटल मैचेस आपको देखने को मिलेंगे जितने आपको WWE में भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो क्या जब यहाँ बात करें क्यों TNA को मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, पहले हम कंपेयर करेंगे TNA को AEW से। मतलब अब यहाँ पे जिस तरह से AEW की स्टार्टिंग हुई, सेम तरह से TNA की भी स्टार्टिंग हुई। लेकिन आप कंपेयर करो तो TNA में जो सुपरस्टार्स थे, मतलब जो अभी फिलहाल WWE में, फॉर एग्जांपल सामोआ जो और रॉबर्ट रूड आप ले सकते हो, मतलब ये जो बंदे हैं पहले TNA में भी वर्क कर चुके हैं, AJ स्टार्स भी TNA के साथ काम कर चुके हैं। अब TNA का भी कुछ ऐसा ही था कि भाई WWE के साथ पंगा चल रहा है, WWE को रेटिंग्स में हराना है। मतलब कई बार तो ऐसे हालात आ गए थे कि मतलब WWE तो हारते रह गया। लेकिन अब WWE यहाँ पे क्या करती है, WWE के पास है बिजनेस प्लान। अब मतलब बिजनेस प्लान सारी कंपनीज के पास है, ऐसा बात नहीं कि भाई AEW बेवकूफ़ों की तरह कंपनी खोल लिया है और फिर मतलब कुछ भी कर रहा है, ऐसी बात कुछ नहीं है। मतलब WWE के पास जो बिजनेस प्लान है उसके लिए मतलब आपको भाई एक्सपीरियंस चाहिए। और ये जो मतलब है आप ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस कह सकते हो, जिस तरह से WWE स्टैब्लिश हुआ, शुरुआत किया गया WWF से, फिर WWF और विंस कैनेडी मैकमैन, मतलब विंस मैकमैन के मतलब फादर का नेम तो इतना अच्छा से मुझे याद नहीं, लेकिन अब बेस तो उन्होंने ही दी, लेकिन यहाँ पे दिमाग चला विंस मैकमैन का। और कंपनी आप जानते हो कि कहाँ पे खड़ा है, मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज में जाके अपने शो कर रहे हैं, इंडिया में भी शो करने का प्लान हो रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं डायरेक्टली AEW और फिर WWE से। अब जैसे कि स्टार्टिंग में हमने TNA को AEW से कंपेयर किया, वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि TNA के पास भाई सुपरस्टार्स वो थे जो कि मतलब WWE में अभी प्रेजेंटली काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कहने का मतलब क्या है कि आप समझो, जैसे कि हमें डीन एम्ब्रोस AEW में जाते हुए दिखे हैं जॉन मॉक्सली बनके, तो मतलब कुछ तो ऑडियंस भाई WWE के वहाँ लेके गए ना, मतलब जॉन मॉक्सली गए भाई AEW में, तो काफ़ी सारी ऑडियंस लेके गए वहाँ पे WWE की। डीन एम्ब्रोस, क्रिस जेरिको भी गए वहाँ पे, काफ़ी ऑडियंस गई WWE की। लेकिन बाद में क्या होगा, इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मतलब AEW का, ये कितने लंबे तक चलेगा आप जरा बताओ जॉन मॉक्सली के साथ। WWE जैसी बड़ी कंपनी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं चला क्रिस जेरिको और डीन एम्ब्रोस के साथ लंबे समय तक। कोई भी मतलब रेसलर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, कभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के हट सकता है। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब AEW में चले गए जॉन मॉक्सली और क्रिस जेरिको तो अब वहीं पर रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही मतलब जॉन मॉक्सली और क्रिस जेरिको जैसे नाम बाहर निकलते हैं कंपनी से AEW से, तो फिर आप समझ सकते हो आगे क्या होगा। अब मतलब WWE से आप मतलब डीन एम्ब्रोस को निकलते हुए देखें, WWE को क्या असर पड़ा, सामने एक अपोनेंट खड़ा हुआ AEW के नाम का, यही ना हुआ। मतलब WWE को ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ा। रेटिंग्स में हार कौन रहा है, NXT हार रहा है, AEW डायनामाइट से NXT हार रहा है, WWE नहीं हार रहा, ये चीज़ समझनी होगी। मतलब WWE को कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। अब देखिए आगे फ्यूचर में क्या होगा, जैसा कि TNA को आप देखा मतलब स्टार्ट किस तरह से हुआ TNA, WWE को तो मतलब पंगा क्या दिया बताना मतलब बहुत मुश्किल है। आप मैचेस सर्च करके देख सकते हो, काफ़ी ब्रूटल होते हैं, वो चीज़ आपको भी फॉर श्योर पसंद आएगी, नहीं देखी आपने तो। लेकिन बाद में क्या हुआ, TNA कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो गई। सामोआ जो आ गए WWE में, AJ स्टाइल्स WWE में आ गए, रॉबर्ट रूड, बॉबी रूड, या भी जो भी कहो आप, आ गए WWE में, मैट हार्डी भी WWE में। आखिर में मतलब होता क्या है, TNA कंपनी होती है बर्बाद, नेम चेंज कर दिया जाता है इंपैक्ट रेसलिंग को। आप भी आपको कुछ ना कुछ शोज देखने को मिल जाएंगे, भले ही लाइव इंडिया में नहीं देखने को मिलता, लेकिन कुछ पेपर व्यूज होते हैं जो कि आपको लाइव देखने को मिलेंगे। लेकिन आखिर TNA स्टार्ट हुआ AEW की तरह और जाके मतलब डाउन टू ग्राउंड कहाँ चला गया, आप उसे ढूंढ भी नहीं सकते हो। अब काफ़ी लोग तो आप नाम भी नहीं जानते होगे शायद इंपैक्ट का, आप जानते हो तो भाई काफ़ी अच्छी बात है। अब काफ़ी बड़ा नाम बनाया था लेकिन डाउन टू ग्राउंड चला गया, और WWE अभी भी वहीं पे है जहाँ पे वो खड़ा था। वो खड़ा होने की बात क्या करें, दिन पर दिन राइज ही होता जा रहा है। अब AEW का मतलब यहाँ पे चीज़ क्या है,
AEW भी स्टार्ट हुआ काफ़ी तगड़ा, हालांकि TNA के पास काफ़ी तगड़े रेसलर्स थे लेकिन AEW के पास उतने भी रेसलर नहीं है। क्रिस जेरिको ने जॉन मॉक्सली है और जेक हैगर, आप जैक स्वैगर जो भी कह सकते हो। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि ना परमानेंटली ये सुपरस्टार्स रहेंगे, जिस दिन ये AEW को छोड़ के जाते हैं उस दिन AEW कंपनी बर्बाद होते हुए दिख सकती है। अब बर्बाद होने का मतलब ये नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी चलेगी आप समझ सकते हो, ROH यानी कि रिंग ऑफ ऑनर, न्यू जापान प्रो रेसलिंग और फिर मतलब काफ़ी जैसे हो गए इंपैक्ट, कुछ इस तरह से कंपनी चलना स्टार्ट होगी। और फाइनली आपको लास्ट में देखने को क्या मिलेगा कि WWE अभी भी मतलब रूल कर रही है इस रेसलिंग बिजनेस में और ऐसा ही होते हुए दिखेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं मतलब बिजनेस प्लान किसका ज़्यादा बेटर है। अब विंस मैकमैन ने सोचा क्या, जब मतलब उनके हाथों में यह बिजनेस आया, विंस मैकमैन ने सोचा कि इस वाली चीज़ को हम लाइव टेलीविजन पर टेलीकास्ट करेंगे जो कि काफ़ी यूनिक होगा और ये पहला मतलब कदम था। WWE ऐसी कंपनी है जिसने पहली बार ये प्लान सोचा कि हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे इस चीज़ को, और उस चीज़ को लाइव टेलीकास्ट किया गया USA में जो कि काफ़ी इफेक्टिव था और लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो इस वजह से आप जानते हो अब इंडिया में भी लाइव आपको देखने को मिलता है और काफ़ी कुछ मज़ा भी हमें आता है देखने को, लेकिन अभी AEW में लाइव नहीं देखने को मिलता। इम्पैक्ट के सारे शोज मतलब जो TV टेपिंग्स होते हैं वो भी आपको लाइव देखने को नहीं मिलते हैं इंडिया में। इसका मतलब क्या आपको पता चलता है कि WWE मतलब शुरुआत से जो चालू हुआ है वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो एटलीस्ट मतलब यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आता है WWE और AEW की वॉर में, एट लास्ट आपको विनर देखने को मिलेगी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE, क्योंकि बिजनेस प्लान विंस मैकमैन के पास भाई बहुत तगड़ा है। तो कहना यही था मेरा, और मतलब आप नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि इस तरह की वीडियोस आप और देखना चाहते हो या नहीं। अपने ओपिनियन नीचे शेयर जरूर करना कि आने वाले समय में कौन जीतेगा, यह भी कमेंट जरूर करना कि मतलब WWE और AEW में से आप किसके सपोर्टर हो। पर्सनली मैं बताऊँ तो WWE के फ़ैन है भाई, हम WWE के फ़ैन ही रहेंगे, और AEW आप जो हो थोड़ा साइड हट के ही चलो। तो मतलब यहाँ पे WWE सुपीरियर राइज करेगी मेरे हिसाब से तो, और WWE बेस्ट है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती हो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि मतलब इस वाली चीज़ को आप और देखना चाहते हो ऐसी वीडियोज़, और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता है अपने नेक्स्ट और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।